कुमार नाम है सर, मैं फौज में हूँ। हाँ हाँ, वो लग रहे थे फौज में काम। मैं बीजेपी और मोदी जी को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आज उनके बीजेपी जब से आई है, एक फोर्स मेंबर कॉन्फिडेंस जहाँ भी ड्यूटी करता है कॉन्फिडेंस महसूस करता है, चाहे वो श्रीनगर में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी। श्रीनगर में पहले हमारे ऊपर पत्थर मारा जाता था, सब कुछ मारा जाता था, और हमें अपना लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित रखते हुए हम उनका उस विरोध को हम लोग शांतिपूर्वक करते थे। लेकिन आज का रेट ऐसा है बीजेपी के आने के बाद, कोई किसी की मजाल नहीं है कि एक पत्थर भी उठा के फेंक दे हम। इंडिया को काकड़ साहब कहती है, 300 जंगे होंगी, जब इतनी पावर नहीं है तो फिर जंगों की धमकियां क्यों देते हैं? कहते हैं जिन्होंने गरजना है वो गरजते हैं, और कुछ खर सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। अच्छा, हम गरज रहे हैं जी, तो बरसेंगे? बरस नहीं सकते मेरे ख्याल से, इतनी पावर नहीं पाकिस्तान। भारतीय नौसेना की बात करते हैं, जिसकी जाबाजी का एक और उदाहरण सामने आया है। भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नाविकों को बचाया। आई बिलीव के इंडिया के फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं। मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई, और वो भी मुसलमानों की। पाकिस्तानी नेवी की बात करें तो हमारे नेवी के कोई ऐसे कारनामे हमारे सामने नहीं आते कि उन्होंने किसी को रेस्क्यू किया हो या अपने ही बंदों को टाइम पे रेस्क्यू कर लिया हो। जी, ये बात तो सही है। मतलब कि पाकिस्तान इतना मतलब कि है नहीं, अब कहना तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। इंडिया एक मैसेज दे रहा है तमाम खित्ते के इलाकों के लोगों को कि भाई अब इस खित्ते में अब हम हमसे पूछ के चलो या हम बताएंगे कि हमने क्या करना है। उन्होंने एक इंसानियत के नाते उन्होंने जान बचाई, और मैं समझता हूँ कि शायद बहुत कीमती जानें थी। इंडिया वाले से मैं यही कहूँगा, उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया, इंशाल्लाह इस पे बहुत खुश है पाकिस्तान वाले, और उन्होंने सबको ये नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाया। जय हिंद दोस्तों, भारत तो हमेशा से बचाता ही आया है। भारत तो हमेशा से इंसानियत और शांति चाहता है। भारत ने कभी भी किसी पर पहले हमला नहीं किया है, लेकिन आज एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है, भारत ने एक बार फिर से अपने महानता का परिचय दिया है। अब दरअसल हाल ही में भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के 19 अफिसरों को जहाज से रेस्क्यू करके उनकी जान बचाई है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोगों को ये कभी नहीं दिखाई देता है कि जो इनकी मदद करता है, जो इनकी जाने बचाता है, जो इनकी सहायता करता है, ये लोग उसी को ही बर्बाद करने में लगे रहते हैं। ये जो पाकिस्तान है ये एहसान फरमोश है दोस्तों। आज ये बोल रहे हैं ना सब, इन लोगों का सिर्फ एक दिन का बोलना है। इन्होंने कभी भी भारत को कभी अच्छा नहीं बोला है। ये वो लोग है जो हमेशा से पीठ पीछे छुरा घोपते हैं। इन्होंने हमेशा भारत के लिए बुरा ही सोचा है, और आज भी हिंदुओं के लिए बुरा ही सोचते हैं। इनके दिल में इतनी ज्यादा नफरत है कि आज इनकी जगह पर पाकिस्तानियों को जगह पर इंडियंस होते तो ये पाकिस्तानी कभी भी नहीं बचाते, बल्कि ये उल्टा उनको कहते कि इनको मार दो, ये उनका ही साथ देते। दोस्तों, इनका कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं तो इनका विश्वास कभी नहीं कर सकता, और शायद मेरे जैसे जितने भी भारतीय हिंदुस्तानी लोग होंगे वो भी इनको विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब किसी के नहीं हो सकते। किताबों में भी तो पढ़ते हो ना आप, किताबों में क्या इंडिया के बारे में अच्छा पढ़ाया जाता है? नहीं, ये हमें बताते नहीं कुछ अच्छा इंडिया के बारे में, ये बताते ही हैं। हालांकि लोग वहाँ भी यही चाहते हैं, मैंने देखा है वहाँ भी यही चाहते हैं कि हम प्यार से रहें, पर ये रहने नहीं देते। इस वक्त अगर देखें तो इंडियन नेवी जो है पूरे जो है इंडियन ओशंस के अंदर, रेड सी के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी जो एक कहते हैं ताकत बढ़ रही है। पाकिस्तानी नेवी की बात करें तो हमारे नेवी के कोई ऐसे कारनामे हमारे सामने नहीं आते कि उन्होंने किसी को रेस्क्यू किया हो या अपने ही बंदों को टाइम पे रेस्क्यू कर लिया हो। जी, ये बात तो सही है। मतलब कि पाकिस्तान इतना मतलब कि है नहीं, अब कहना तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, पर हर सच सच तो बोलना है ना। सच तो सच है। तो फिर हम जंगों की धमकियाँ क्यों देते हैं सबको? तालिबान को भी कहते हैं जंग होगी, इंडिया को काकड़ साहब कहते हैं 300 जंगें होंगी, जब इतनी पावर नहीं है तो फिर जंगों की धमकियाँ क्यों देते हैं? कहते हैं जिन्होंने गरजना है वो गरजते हैं, और कुछ खर सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। अच्छा, हम गरज रहे हैं जी, बरसेंगे? बरस नहीं सकते मेरे ख्याल से, इतनी पावर नहीं पाकिस्तान। अभी अगर हम बात करें तो एक सोशल मीडिया पे एक बहुत ज्यादा वायरल होने वाली खबर ये है, 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है इंडिया की नेवी की जानिब से। क्या समझते हो कि 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई हिंदुस्तानियों ने, हिंदुस्तान की आर्मी नेवी ने, इसका कितना बड़ा एक मैसेज आया है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा पीस का जो है ना पैगाम गया, और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी हिंदू, ये तो एक बात की बात है जो हमें पहली चीज देखना चाहिए। जाहिर है वो भी इंसान है और हम भी इंसान है, तो ये तो बाद में आता है कि आपका कास्ट क्या है, कंट्री क्या है या रिलीजन क्या है। उन्होंने एक इंसानियत के नाते उन्होंने जान बचाई, और मैं समझता हूँ कि शायद बहुत कीमती जानें थी।
देखो अगर उस टाइम पे उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, अगर इंडियन नेवी को पता चलने के बाद भी वो मदद ना करते तो इंडियन नेवी का कुछ नहीं जाना था, लेकिन उन्होंने इंसानियत को पहले रखा। इस चीज को देखते हुए आपको क्या लगता है कितनी अशद जरूरत है हमें अपने रिलेशन बेहतर करने की, जो आपने एक नफरत का एक बहुत बड़ा गुबार अपने जहन और दिमाग में रखा हुआ है? जी बिल्कुल, हमें काफ़ी ज़रूरत है हमें अपने रिलेशंस आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ में बेहतर करने की। इख्तलाफात अपनी जगह है, लेकिन ये कि इंसान को अपने मफादात को देखना चाहिए, अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए और अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ पे काफ़ी वर्क करना है पाकिस्तान को। आगे इसको किस तरह से देखते हो? आज तक अज़ल से हम जानते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, जब से मतलब 47 गुजरा उसके बाद से हमें यह समझाया गया, बताया गया कि हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, हिंदू ने काफिर ने कभी भी मुसलमान का अच्छा नहीं सोचा। आज एक हिंदू ने मतलब एक हिंदू इंडियन नेवी ने मुसलमानों की जान बचाई है और जो टेररिज्म फैला रहे थे, जो गुंडे थे, उनको भी भाई पकड़ लिया सही सलामत और हमारे पाकिस्तानियों में एक को भी एक क्रोश भी नहीं आई। तो हिंदू मुस्लिम का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको खत्म करना चाहिए? शायद हमें गलत समझाया जाता है कि हिंदू मुसलमान या हिंदू ईसाई या हिंदू आपस में जो नहीं होते, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि हमारा इस्लामोफोबिया फैल गया है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो ये जो है ना, मैं बिल्कुल इसकी मुखालफत करूँगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं UAE में रह गया हूँ, स्टूडेंट था मैं, वहाँ पढ़ता रह गया हूँ, तो वहाँ पर ये हमारे इंडियन दोस्त भी थे केरला से काफ़ी सारे, वहाँ पर हमारे जो है ना क्रिश्चियंस भी थे, अरब भी थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ हमारे बच्चों को जो है ना एक हवाले से मिसयूज़ किया जा रहा है, गुमराही की तरफ लेके जाया जा रहा है और मिसगाइड किया जा रहा है। मैं समझता हूँ हमें इससे बाला तरह के सोचना चाहिए, हमें इंसानियत के लिए सोचना चाहिए, हमें पहले उसको एज ए इंसान समझना चाहिए ये देखने से पहले। UAE में आपके इंडियन दोस्त थे, किस तरह से उनका इमेज था, मतलब किस तरह से ज़हनियत थी, किस तरह से उनकी नेचर थी, क्या हिसाब था उनका? बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे और जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी से ज़्यादा बल्कि मेरी उनसे बनती थी, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। और नहीं कि मोस्टली पाकिस्तानी बोलते हैं यार, बोलते हैं, लास्ट टाइम भी एक बंदे ने हद कर दी, उसने कहा कि पाकिस्तानी ने मेरी मदद नहीं की, मुझे पैसों की जरूरत थी, इंडिया ने मेरी मदद कर दी। ऐसी है, बहुत अच्छे हैं, मेरे वालिद साहब के जो दोस्त हैं वो हमारे अंकल जो हैं वो बहुत जो है ना सपोर्टिव हैं, हर मुश्किल वक्त में उन्होंने कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। इंडियन है जी, इंडियन है, बिल्कुल इंडियन है, केरला से हैं वो। ये चीज सोचने के बाद, देखने के बाद क्या समझते हो कि ये जो 76 साल का एक चूड़न है इसको कब खत्म किया जाएगा, कब हमें कश्मीर के नाम पे साइड रख के एक्सट्रीमिज्म से खत्म किया जाएगा, क्या लगता है कि इस चीज को खत्म कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, तीन जंगी हो चुकी है पहले ही और जो है ना रोज बॉर्डर पे कोई ना कोई फौजी की खबर आती है कि आज वो फलाना शहीद हो गए, आज कश्मीर में फलाने शहीद हो गए, तो मैं समझता हूँ अब कब तक, दुनिया सारी आगे निकल चुकी है IT और अब जो है ना 5th generation वॉर आ चुकी है, तो कब तक हमारे मिलिट्री जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कब ऐसे एक्शन लेगी जिससे हमारी फॉरेन पॉलिसीज बेहतर हो, हमारे लोगों का सोचे, इससे बाला तरह जाना चाहिए कि उसने में ये बात किया। जैसे अब ईरान में हालात ख़राब थे, तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान को अमेरिका का या किसी भी यूरोपियन कंट्री का डमी बन के जो है ना अपने ही मुस्लिम ब्रदर या अपने ही जो है ना नेबरिंग कंट्री से हालात ख़राब करने चाहिए। मैं तो इसमें यही करूँगा कि देखें, हम जिनको दुश्मन समझते हैं लेकिन उन्होंने दुश्मनी वाला काम नहीं किया, उन्होंने दोस्ती वाला काम किया है। मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फौज का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने बचाया, ठीक है ना, अगर वो ना बचाते तो जारी कल ये मामला मजीद नफरत की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तो समझता हूँ कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है ना। हम भी बहुत खुश हैं, देखिए हमारे हर बच्चा कहता है इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं, उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज भी था भाई, दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया, तो वो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं और हम अपने बच्चों को, पूरे पाकिस्तानियों को इंसानियत से नफरत का पैगाम देते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया से नफरत का पैगाम। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैम, जैसे आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये काम जो किया है ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मोहब्बत बड़ा हाथ बढ़ाया, ठीक है ना, और हमने अपने बच्चों को ये सबक, ये सलाहियत नहीं देनी चाहिए कि जी इंडिया गलत है या इंडिया बुरा है। आप देखे जो उन्होंने काम किया ये पाकिस्तान की तरफ उन्होंने एक पहला हाथ बढ़ाया है, ठीक है। सर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी नेवी किधर है? हाँ ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान नेवी अगर उस वक्त नहीं पहुंची तो अल्लाह ने उनको एक वसीला बना के भेज दिया हमारे लिए, ठीक है ना, ये अल्लाह की मदद आई है। और देखें उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाल दी, क्योंकि हमारी तरफ से उनकी तरफ से काफ़ी मामले हैं, जैसे हमने ये बॉर्डर खोल दिए हैं उनके लिए और कई मामले किए हुए हैं, तो उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाली है हमारी तरफ से, तो उन्होंने हमारी मदद की है, हमारी आर्मी नहीं पहुँची थी लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी सपोर्ट की है। इंडिया वाले से मैं यही कहूँगा, उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है, इंशाल्लाह मान इस पर बहुत खुश है पाकिस्तान वाले और उन्होंने सबको ये नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाया। ये दोस्तों आजकल इन लोगों की हालात बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, क्योंकि हर तरफ से इनको ठोका जा रहा है, एक तरफ से बलोच वाले मार रहे हैं, उधर से ईरान मार रहा है, इधर से तालिबान वाले मार रहे हैं, यानी कि इनको चारों तरफ से मार पड़ रही है। पाकिस्तानी ये सोच के बैठे हुए थे कि ईरान साथ देगा, चीन साथ देगा, तालिबान साथ देगा, बलोच वाले को तो हम सेट कर ही लेंगे और हिंदुस्तान पर मिलकर अटैक करेंगे, लेकिन हुआ क्या उल्टा, खुद वही लोग इनको अच्छी तरीके से धो रहे हैं। आज इन लोगों की जो जज्बा है ना वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इन लोगों का जज्बा आज खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये तो कभी भी जिंदगी में लड़े ही नहीं है, इन्होंने हमेशा से दूसरों
के कंधे पर बंदूक रख कर डराया धमकाया है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये लोग बलोच वाले से लड़ नहीं सकते, तालिबान वाले को कुछ कर नहीं सकते, बस ये सिर्फ भारत को धमकियां देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम एटमी पावर हैं, हमारे पास जज्बा है। दोस्तों इनके बस के कुछ नहीं है, ये बस दिखावा में लगे रहते हैं। खैर दोस्तों वैसे आप लोग क्या सोचते हैं, क्या इनकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।